नमस्कार, राम कन्या न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ दिव्यानी व्यास। दीपावली के दूसरे दिन को यूं तो हम सभी गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। कई जगहों पर इस दिन शाम के समय किसान अपनी बेलों और ट्रैक्टरों की पूजन करते हैं, लेकिन अजमेर जिले के केकड़ी में गोवर्धन पूजा का दिन बड़े ही खतरनाक तरीके से एक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जलते हुए पटाखों को लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इस परंपरा को ये धात भेरों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक दूसरे पर पटाखे फेंकने से कई लोग जख्मी हो जाते हैं तो कई बुरे तरह से झुलस जाते हैं। आइए आपको भी बताते हैं इस खतरनाक परंपरा के बारे में। एक बार फिर दिवाली का मौका है, दिन भी वही है, दस्तूर भी वही। दिवाली पर शहर के बाजार में सुबह से ही एक दूसरों पर पटाखे फेंकने का दौर शुरू हो जाता है। केकड़ी शहर में बरसों से दिवाली के दूसरे दिन बाजार में एक दूसरे पर पटाखे फेंके जाने का खेल पिछले कई सालों से परंपरा का रूप ले चुका है। ये समाज की जड़ में इस कदर रम चुका है कि इसे रोकने में अब प्रशासन भी बेबस नजर आने लगा है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद केकड़ी में लोग खुलेआम एक दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं। दिन में महिलाएं और बच्चे राम राम के लिए बाजार में निकलते हैं तो युवा वर्ग उन पर पटाखे फेंकते हैं। नौजवान टोलियों के रूप में झुंड के झुंड पटाखों से हमला करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन पटाखों को इंसान पर फेंका जाता है वे पटाखे बेहद खतरनाक होते हैं। कई युवा पटाखों की जगह सूतली बम फेंकते हैं। शाम होते होते तो बाजार में पटाखों के धुएं के गुब्बारों से धुंध सी छा जाती है। कि दीपावली को आप बड़ी शालीनता से आनंद से मनाएं। दीपावली फटाखों का त्यौहार है, फटाखे भी चलाएं, बस कुछ अनहोनी ना हो, कुछ दुर्घटना ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इस तरह से आप दिवाली का त्यौहार का आनंद लो। केकड़ी में ये जानलेवा तरीके से मनाई जाती है। इसमें घासबेरू के दौरान बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं, जल जाते हैं या मर भी जाते हैं। बीते सालों में हमने ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं देखी है, पर इस साल हम चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं और ना हो। और हम चाहते हैं कि ऐसे ये फटाके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और ये जल जाते हैं, तो ये चीज इस बार ना हो, सिर्फ घासबेरू का आनंद लिया जाए। खुशियों का पर्व है, यहाँ हम लोग आतिशबाजी करते हैं, फटाके जलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घासबेरू के दिन केकड़ी में ये जानलेवा साबित हो जाता है, लोग एक दूसरे पर फटाके फेंकते हैं, ये हमें बिल्कुल सही नहीं लगता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन आतिशबाजी की जाती है, आतिशबाजी करना वाजिब भी है। इस दिन नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे, लेकिन पौधे समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हानि ना हो, कोई झुलसे नहीं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। शुभेच्छु आरिफ नेप, उपाध्यक्ष नगरपालिका सरवाड़। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रकाश लेकर आए। शुभेच्छु अतीक तंवर, पार्षद नगरपालिका सरवाड़। सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। शुभेच्छु छगन कंवर राठौड़, चेयरमैन नगरपालिका सरवाड़। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। शुभेच्छु गोपाल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत गोपालपुरा। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों एवं रोशनी का ये पर्व दीपावली आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रकाश लेकर आए। शुभेच्छु फिरोज हरसोरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका सरवाड़। सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का पर्व दीपावली आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति का प्रकाश लेकर आए। शुभेच्छु अब्दुल जब्बार आसाम, अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति जडाना। ग्राम पंचायत रामपाली सरपंच सीमा गुजर की तरफ से क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु सावर लाल खटाना।
इस परंपरा को रोकने के लिए पुरोली पुलिस प्रशासन ने लाख जतन कर लिए, लेकिन हर बार नाकाम रहा। कई बार तो ऐसा मौका भी होता था कि युवा पुलिस तक को भी पटाखों का शिकार बना डालते थे। आलम ऐसा हो जाता था कि पुलिस को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। इस अंधी दौड़ में कई लोगों का झुलस जाने या मौत होने या आगजनी की घटना आम बात है। इस पटाखेबाजी से हर साल झुलसने से कई नौजवान की मौत भी होती है और पटाखों से दर्जनों लोग झुलसते हैं। इसके बावजूद यहां खेले जाने वाले इस ये अंगारों की होली थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति तब है जब चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहता है। पिछले कई सालों से ऐसे लोगों पर मुकदमेबाजी भी की गई, लेकिन इनका इन पर कोई असर नहीं हुआ। अब भी इसकी कारगुजरिया बददस्तूर जारी है। क्रिमिनल्स और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई हो, ताकि इस त्यौहार के दौरान किसी भी तरह का दखलंदाजी ना हो। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस की सघन निगरानी और गश्त जारी है। इस संबंध में जो फटाखा धारक हैं उन पर केवल और केवल ग्रीन फटाखे ही बेचान करने संबंधी जो दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा प्राप्त हैं उनकी पूरी पूरी पालना करवाई जाएगी। और अपील हम यही करते हैं कि लोग ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे हैं उनका यूज ना करें और ना ही ऐसे पटाखों को प्रतिबंधित पटाखों को बेचें। कई ग्रीन फटाखा यूज होता है, उसमें आपस में एक दूसरे के पटाखे फेंके जाते हैं, लोग जुलूस जाते हैं। इस संबंध में पर्याप्त जाब्ता परिषद रखा जाएगा और लोगों से अगर कोई ग्रीन फटाखे के अलावा फटाखा फोड़ते पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दीपोत्सव का पावन पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। शुभेच्छु अजय तोषनीवाल, अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति खीरिया। भगवानपुरा पंचायत क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों को समाज सेवी चंद्रभान सिंह बंटी बन्ना की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। स्यार पंचायत क्षेत्र की देवतुल्य जनता को सरपंच शायरी देवी धाकड़ की तरफ से दीपावली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरपुरा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को समाज सेवी बालूराम धाकड़ की तरफ से दीपावली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये त्योहार सभी के लिए नई खुशियों की सौगात लेकर आए। साहू गजक भंडार के प्रोप्राइटर संजय साहू की तरफ से सरवाड शहर के सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरवाड़ क्षेत्र के सभी लोगों को सहवरण सदस्य हाजी जहांगीर की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चांदमा के सभी देवतुल्य जनता को सरपंच कंचन देवी एवं पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी की तरफ से दीपावली की पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पुलिस लाइन से हर साल जाप्ता भेजता है। इसके अलावा भिनाय, सावर, सरवाड़ सहित आसपास के थानों का जाप्ता भी मंगवाया जाता है। साथ ही आरईसी की एक टुकड़ी भी तैनात की जाती है। इसके इन सब के बावजूद पटाखा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे बाजार सुनसान और वीरान नजर आते हैं। जबकि दूसरी ओर जलते हुए पटाखों से खेले जाने वाली ये खतरनाक अंगारों की होली बदस्तूर जारी रहती है। सरवाड़ क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों को युवा कांग्रेस नेता संजय शर्मा की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरवाड़ क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता को नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरवाड़ शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को पार्षद विशाल मेवाड़ा की तरफ से दीपोत्सव के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को खान कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर इशाक मिलावत की तरफ से दीपोत्सव के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के जीवन में नई खुशियों की सौगात लेकर आए।
सभी क्षेत्रवासियों को समाज सेवी सीताराम गुर्जर की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़ की तरफ से सभी को दीपोत्सव के पावन पर्व की बधाई। ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आए।